सूरज देवता ऊपर हो। हे गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। गाइज आज मेरे साथ है दो दो डोमिनार। एक है मेरा वाला डोमिनार जो कि 2017 डोमिनार है जो कि 40,000 चला है। एंड ये है राहुल का डोमिनार जो कि अभी हजार हो गया। तो इसको एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे चलाने का था बट राहुल भाई का जो है वो एग्जाम चल रहा था। हाँ। तो एग्जाम के बीच में कुछ कर नहीं सकते सो दैट्स व्हाई यू नो थोड़ा होल्ड पे रखा था। तो जैसे भाई का एग्जाम हो गया कल ही खत्म हुआ और उसको बुला लिया भाई आजा यार मेरे को वीडियो बनाना है और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है बट स्टिल गाड़ी है। तो 2019 डोमिनार का पहले मैं आपको सिटी रिव्यू, हाईवे रिव्यू और ऑफ रोड रिव्यू ये तीनों दे देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। वेलकम टू बजाज डोमिनार 2019 सिटी रिव्यू। सिटी में जो बाइक है वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल हो गया है एंड स्पेशली गाइस यार इसके सस्पेंशन मेरे को बहुत सही लग रहे हैं भाई। खड्डे में फटाफट डाल दो, ज़्यादा आपको बॉडी को हिट नहीं करती गाड़ी। एंड स्पीड ब्रेकर पे अभी जो नीचे का बॉक्स है कैटलिटिक कन्वर्टर वो ना होने की वजह से बिल्कुल भी हिट नहीं करता स्पीड ब्रेकर के ऊपर। रेस दिया गाड़ी भागना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल और बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग बाइक लग रही है अभी। और अभी लगभग 15 मिनट हो गए मैं गाड़ी चला रहा हूँ सिटी के अंदर, मतलब आप जिस तरह के अभी ट्रैफिक देख रहे हो बट बिल्कुल भी हीट मुझे अपने पैरों पे फील नहीं होती। और यही बेस्ट पार्ट था हमारी पुरानी वाली डोमिनार का कि वो भी सिटी में ज़्यादा हीटअप नहीं होती थी। ये जो इंजन है ये KTM से लिया हुआ इंजन है 373 cc का। बट यार वो इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन रेशियो होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट करता है बट ये वाला इंजन हीट नहीं करता है और ना ही पुरानी डोमिनार का इंजन हीट करता था। और मिरर्स तो देख लो यार क्या मिरर्स है इतने बड़े। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई है राहुल ने अपने बाइक के ऊपर तो इसके बारे में मुझे लगता है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं अपने डोमिनार के ऊपर। आप देख रहे हो ना मैं किस तरह से इसको फ्लिकर कर पा रहा हूँ सिटी के अंदर, ये पुराने डोमिनार में नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता है ओवरऑल सिटी के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है बाइक मेरी पुरानी वाली मॉडल से। जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है और काफ़ी हल्का लग रहा है, आप मनोवर एकदम आराम से कर सकते हो बाइक को। मतलब बाइक का जो वेट है ना पुरानी मॉडल में आपको फील होता था जब भी आप लेन चेंजेस या फिर सिटी में गाड़ी चलाते हो बट ये गाड़ी में आपको बिल्कुल भी गाड़ी का वेट समझ में नहीं आता। डेली कम्यूटर्स जो है वो ये गाड़ी को आराम से लेके सिटी में चला सकते हैं, मतलब जिनको ऑफिस जाना है तो एक नंबर बाइक है यार। मुझे लगता है सिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है गाड़ी। दैट्स इट फॉर द सिटी रिव्यू। वेलकम टू बजाज डोमिनार 2019 ऑफ रोड रिव्यू। और ये होगा अभी प्रॉपर ऑफ रोड। गाइस सस्पेंशन जो है ना यार न्यू डोमिनार के ट्रस्ट मी Wow. बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है यार सस्पेंशन डिपार्टमेंट में। अगर आप मेरा रिव्यू देखते रहोगे मेरे डोमिनार का जब भी मैं भी जितने भी बार मैंने रिव्यू किया है उतने बार मैंने सस्पेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किया है कि यार मेरी वाली डोमिनार का सस्पेंशन जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हिट बैक करता है, मेरा पूरा पीठ दुखने लगा है जस्ट बिकॉज कि मैंने वो डोमिनार के ऊपर इतना ज़्यादा किलोमीटर कर लिया है। बट ये डोमिनार क्या बम्प्स जो है क्या सोकअप कर लेती है यार, मैं इतना गाड़ी भगा रहा हूँ ऐसे रोड पे एंड स्टिल यू कैन सी लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ यार। बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया है यार बजाज ने सस्पेंशन डिपार्टमेंट में। लाइक आपको जो बम्प्स और ये फील ही नहीं होता भाई। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये एडवेंचर टूरर काइंड ऑफ सस्पेंशन हो गए हैं बट मेरी डोमिनार अगर आप चलाओगे एंड उसके बाद इसको आप ऑफ रोड में टेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला बाइक उठा लेना चाहिए, नया 2019 डोमिनार जो है वो मैं खरीद लेता हूँ अपना पुराना वाला बेच के। लाइक मैं इतने स्पीड में कभी नहीं गया हूँ ये रोड से। गाइज माइंड यू, ये जो रोड है ये मेरा घर के बाहर हाईवे पे लगने के लिए शॉर्टकट वाला रोड है, इसकी वजह से ये इतनी बुरी कंडीशन में है। और मैं हमेशा कोई भी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मुझे ये वाला जो रोड है ये लेना ही पड़ता है, ख़राब रोड। और इस पर मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है ये मुझे पता है। एंड अभी इस बाइक के ऊपर मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये मुझे खुद को पता है। तो सस्पेंशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा चेंज एंड बहुत सही है यार ये वाला बाइक। ये रहा राहुल, मेरी डोमिनार चला रहा है और ये आ गया अभी हाईवे। भाई क्या सस्पेंशन है यार इसके, मेरे सस्पेंशन कैसे लगे तेरे को ये खराब रोड पे? मेरे वाले एकदम लगता है ना, हर एक फटका लगता है। हाँ। मतलब पीछे का सस्पेंशन जो भी फटका लगता है और इधर इधर दुखता है। और इस पे मैं पूरा उड़ाते उड़ाते आया हूँ यार, तूने तो देखा रहेगा मैं कितना भगा रहा था गाड़ी। भाई स्पीटी वाली जाना है मुझे। नहीं रे टूटेगा थोड़ी भाई, बजाज की क्वालिटी अभी अच्छी हो गई है ठीक है। क्या सस्पेंशन यार भाई, घोड़ा घोड़ा। सो गाइस वेलकम टू बजाज डोमिनार 2019 हाईवे रिव्यू। और हाईवे का मतलब होता है इसको भगाओ। वाव, मेरे डोमिनार से बहुत ज्यादा भागती है भाई। ओहो वाव, फ्रंट ब्रेक। गाइस फ्रंट ब्रेक का जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है, बहुत ही बढ़िया वाला फीडबैक दे रही है गाड़ी अभी। वो एक ही नंबर यार हाईवे के ऊपर। बस भाई सो तक ही भगाता हूँ क्योंकि अदरवाइज राहुल चिल्लाएगा मेरे को, भाई नई गाड़ी है तूने क्या कर दिया। वाह यार बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे गाड़ी। वाव 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 वाव, बस इतना ही निकलेगा। अब बहुत ज्यादा आराम से क्रूज कर पा रही है गाड़ी 100 के स्पीड पे अराउंड 5000 आरपीएम पे। और यही मेरे डोमिनार में मुझे लगता है कि आरपीएम थोड़ा ज्यादा रहता है, 5500 आरपीएम तक रहता है जब भी आप 100 पे रहते हो या फिर 6000 आरपीएम। बट ये गाड़ी का आरपीएम थोड़ा आपका कम रहेगा, मतलब ज़्यादा रिलैक्स गाड़ी जो है वो क्रूज करेगी हाईवे के ऊपर। एंड जस्ट यार सस्पेंशन से इतना फर्क होता है अपसाइड डाउन एंड रेगुलर में, गाड़ी क्या फ्लिक हो रही है यार। ओके यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। गाइज राहुल ने जो है वो दोनों टायर चेंज किया है, मे बी उसकी वजह से मुझे फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बट सच में लाइक ट्रस्ट मी गाइज बहुत सही वाला फीडबैक है फ्रंट के ब्रेक से। और हाईवे पे तो क्या क्रूज करेगी यार, मजा आएगा ये गाड़ी को लंबे लेके जाने में, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। होप सो यार बजाज वाले यार मेरे को मेरा पुराना गाड़ी बायबैक करके ये वाला गाड़ी दे दे, ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत कुछ पैसा रहेगा मैं भर दूंगा यार। मुझे सच में भी ऐसा लग रहा है कि जो मेरा डोमिनार है वो फुल्ली मॉडिफाइड डोमिनार, उसको मैं सेल कर दूं एंड जो न्यू वाला डोमिनार है ये वाला ये ले लूं। सो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा यार मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ ये नई वाली डोमिनार से। और मैं सोच भी रहा हूँ कि मेरी डोमिनार को सेल कर दूं और ये वाला उठा लूं। क्या बोलता है राहुल, उठा ले? अरे यार बिंदास ले लो, देखते हैं देखते हैं। एक ही प्रॉब्लम आएगा आपको, इसमें माइलेज है इसमें माइलेज नहीं। यस मेरा वाला जो माइलेज है वो अराउंड 32 तक दे देता है हाईवे के ऊपर अगर आप अच्छे से चलाते हो। बट राहुल को जो अभी एवरेज मिल रहा है वो अराउंड 22 और मैंने जो लोगों के रिव्यूज देखे उसमें 28 तक जा रहा है मैक्सिमम, उसके ज्यादा बढ़ता नहीं है। बट यार क्या गाड़ी है, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। और जिनको भी ये गाड़ी लेना है तो गो फॉर इट यार, बहुत सही गाड़ी है। और इसके जो प्राइस रेंज है उसमें आपको दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं मिलने वाली, और एक बहुत बढ़िया। और एक बात गाइस, इसका अभी 4000 रुपया कम भी हुआ है। 4000 कम हुआ क्यों? हाँ, मैंने 2,23,000 में लिया था, अभी 2,19,000 में आ रही है। क्या बात कर रहा है, पता नहीं बजाज ने कम किया, अभी ले लो। अरे सही है यार। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक बटन करो और शेयर करो जो भी इसके प्रोस्पेक्टिव बायर से उनके लिए। एंड हाँ वन मोर थिंग, राहुल को सब्सक्राइब कर लो, राहुल व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर लैंडिंग विद द बाइक। कंटिन्यू है यूट्यूब पे। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय।